हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर में जो जेईई मेंस हुआ उसका अब ओरिजिनल पेपर आ गया है, तो ओरिजिनल पेपर के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, है ना। तो 2 सितंबर को जो जेईई मेंस का पेपर हुआ था उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, गैस मिक्सचर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया गैस मिक्सचर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर टी, एज्यूमिंग द गैस इज टू बी आइडियल एंड द ऑक्सीजन बॉन्ड टू बी रिजिड, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर इज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो डाईएटॉमिक होता है, ऑक्सीजन डाईएटॉमिक होता है, और जो आर्गन होता है वो मोनोएटॉमिक होता है। तो इसके हिसाब से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है, तो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 होगा और आर्गन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, है ना। तो अगर हमें इनकी इंटरनल एनर्जी निकालनी है ना, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्सिडर करके फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं एन एफ आर टी डिवाइडेड बाई 2। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, ठीक। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का इंटरनल एनर्जी आएगा, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दिए गए हैं 3, है ना। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ऑक्सीजन का होता है 5, क्योंकि वो डायटोमिक है, रिजिड कहा गया है। तो रिजिड का मतलब है डायटोमिक हो तो एक रॉड जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो रॉड की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो 2 एक्सिस के और तो लेते हैं, तीसरा एक्सिस जो होता है लेंथ के पैरल उसको कॉन्सिडर नहीं करते। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 2 होती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो 5 के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 5 रखेंगे, आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये हो गया 15 RT/2। इसके बाद हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन, तो आर्गन का लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दिया गया है क्वेश्चन में 5, है ना। आर्गन का नंबर ऑफ मोल्स 5 दिया गया है, क्योंकि ये मोनाटॉमिक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3 रखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह पर, आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों की इंटरनल एनर्जी को ऐड कर देते हैं, तो जो गैस है उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो आएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन का इंटरनल एनर्जी प्लस आर्गन का इंटरनल एनर्जी, है ना। तो ये है 15 RT/2 प्लस 15 RT/2, यानी कि अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये हो गया 15 R × T। ये टोटल इंटरनल एनर्जी आया इस गैसियस मिक्सचर का, और जो है RT के यूनिट में बताना है, यानी जो नंबर है ये 15, ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखें इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर उसको देखते हैं, है ना। तो देखेंगे जो पहला ऑप्शन है इसमें दिया गया है 15, है ना। तो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए।